com और इसका I think pink slush इसका नाम है ठीक है pink power इसका नाम तो ये आप ले सकते हैं अच्छा इसको मैं क्योंकि सिर्फ अपने lips पे apply करती हूँ this is very nice very fresh अभी भी apply किया है अभी भी apply किया ठीक है तो बहुत fresh लग रहा है बहुत खूबसूरत लग रहा है जबरदस्त एक तो ये हो गया एक तो ये हो गया ठीक है दूसरा एक मैं चीज सबको बताना चाहूंगी वो ये कि मैंने सर आई शेडो नहीं लगाया हुआ ठीक है अब जिन लड़कियों को आई शेडो लगाना और फिर उसकी डेप्थ और फिर उसका वो गोल्डन गोल्डन इफेक्ट आए और फिर बहुत पूरी साइंस है ना आई मेकअप की कुछ नहीं करें ये आता है बेनी टिंट बेनिफिट का मेरे दो मेकअप आर्टिस्ट दोस्त इस वक्त देख रहे हैं जो एक जैन देख रहे और एक टीना देख रही है दोनों शायद मुझे जूते मारेंगे कि ये क्या बातें बता रही है टीवी पे जाके मैं क्या करती हूँ जो बेनी टिंट होता है ये अर्के गुलाब से बना हुआ है बाय द वे ठीक है तो ये इतना हार्मफुल भी नहीं है आपकी स्किन को लेके तो मैं इसको क्या करती हूँ हल्का सा इसको यहाँ पे लगाती हूँ बहुत लाइट इफेक्ट है इसका तो थोड़ा सा एक हैवी सा इफेक्ट हैवी सा इफेक्ट है तो उसको हल्का सा लेके यहाँ पे लगा लो एक हल्का सा कलर दे दें दैट्स इट और कुछ नहीं लगाना बस कुछ नहीं करना और बस इसको हल्का सा लिप्स पे लगाएं इसको हल्का सा आपने गालों पे लगाया हल्का सा नोज पे लगाया हल्का सा मस्कारा किया एंड यू आर गुड टू गो विद दीज टू प्रोडक्ट्स दैट्स अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो बस मैं पॉकेट में लेके बैठ जाती हूँ बस इसको ये जीन्स की पॉकेट में होता है बस और इसमें आप पूरा मेकअप अपना कर लेते हैं पूरा मेकअप कर लेते वेरी गुड वेरी हैंडी अच्छा लेकिन बेस बेस अगर आपने आपकी जितनी फ्रेश स्किन है माशाल्लाह सो बहुत सारी लड़कियों की ऐसी अगर हो तो वो क्या लगाएंगी अच्छा वो क्या लगाएंगी बहुत अरसे पहले दुनिया भी कुछ एक साल पहले हम लोग जब ट्रैवल हमने किया था साथ हमारी बहुत प्यारी एक्टर है इकरा अजीज तो मैंने कहा कि यार मुझे तो बेस की जरूरत नहीं है मैं तो बेस नहीं ले रही तुम लोग बेस लो जाके जिनको जरूरत है या लग रहा है कि यार हमें चाहिए बेस तो इकरा ने वहां मुझे एक बेस दी वो बेच दी उसने मुझे कि जानू हमें बेस की जरूरत है बेब वी नीड बेस अब जबरदस्ती जाके वही वाली चीज दोस्त कह देते हैं आप 15-20 हज़ार रुपए खर्च करके आ जाते हैं मेकअप पे तो वहां से मैंने ये ड्योर का कॉम्पैक्ट खरीदा था ठीक है अच्छा मैं ये वैसे बोल दूं कि एक होती है आपकी लिक्विड बेस जो कि मेरे पास रखी हुई है जो कि हमारा अपना लोकल ब्रांड है जो कि है मुसर्रत मिसबा का ठीक है सिर्फ और सिर्फ 1400 रुपए में फरा और मैं हैरान हूँ वो बेस टस से मसनी होती है आपके चेहरे से अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मेकअप वाली हूँ यहाँ पे आई हूँ लेकिन आप मेकअप करती इतना अच्छा हो तो हमें पता चला चाहिए अच्छा ड्योर कब लगाती हो और आप लिक्विड अच्छा जैसे मैंने अभी मुसर्रत मिसबा नहीं लगाई हुई मैंने बेस नहीं लगाई हुई मैंने सिर्फ हल्का सा 36 से कंसील कर लिया क्रायलॉन से जो कि आपका कंसीलर होता है ठीक है और जो पाउडर उसको हल्का सा पाउडर लगाती है और वही जो टिंटर से पूरा मेकअप कर लिया ओ गुड हाँ मतलब मैं आपके पास आपके स्टूडियो में 8:30 बजे आई हूँ एंड 8-9 बजे से कोई 5 मिनट पहले आई वाज रेडी डन सो बस सिर्फ ये दो है बस जो कि बेसिक टिप्स है बस नथिंग एल्स और लाइनर भी सही लगा लेती हूँ लाइनर तो खैर खुद ही लगाती हूँ लाइनर मुझे लगाना पड़ता है जब घर से बाहर जाती हूँ तो लाइनर लगाती ही नहीं ठीक है सो ये दो चीजों से हिरा का पूरा मेकअप हो जाता है जी तो ये दो चीजें पता लगना चाहिए फरा के बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जो मेकअप पे खर्च करना पसंद नहीं करते You're one of them? I'm one of them. मैंने क्योंकि पैसे खर्च करके बर्बाद बहुत किए हैं ठीक है तो अब मैं कहती हूँ नहीं अब मैं नहीं करूंगी अच्छा क्या चीज जरूरी है घड़ी आपने बहुत अच्छी पहनी हुई है इयररिंग्स बहुत अच्छे पहने हुए एक टैटू भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है उस पे क्या लिखा हुआ है इस पे आलम लिखा हुआ है और ये किसका आलम है दिस इज कंसल्टेंट जो कि मैं अभी स्ट्रेस के हवाले से बात कर रही थी अभी सनम बलोच शो में बहुत एक्सटेंडेड उसके हवाले से गुफ्तगू हुई थी ठीक है सो ही इज बेसिकली दैट मैन हु वाज माय कंसल्टेंट बट नाउ ही इज अ फैमिली फ्रेंड एज वेल ओके ही चेंज्ड माय लाइफ ही एक्चुअली गॉट मी आउट ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन व्हिच यू नो आई वाज सफरिंग फ्रॉम यू वर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन ये इतनी खूबसूरत लड़की को डिप्रेशन किस चीज का हो सकता है वो यही तो मसला है लोग कहते हैं किस चीज का स्ट्रेस है आपको क्या मसला है तुम्हें मुझे क्या लगता कमी है कि मुझे लगता है कि हर कोई ना कहीं इस चीज से गुजर रहा होता है हमें लगता है नहीं हमें अभी जरूरत नहीं है कंसल्टेंट की हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं हमें जरूरत नहीं है जरूरत मुझे लगता है थेरेपी या थेरेपी तो मैं नहीं कहूंगी एक जो एक वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन होती है ना एक वाइज इंसान के साथ बैठ वो बहुत जरूरी होती है और मुझे बहुत छोटी उम्र में डॉक्टर आलम मिल गए I am one of the luckiest one, I guess. लेकिन कोई अपने डॉक्टर का नाम अपनी नब्ज पढ़ के हो गए ना अच्छा नब्ज के ऊपर हाँ. इसका मतलब है ये एक तरह से दिल है जब जब आपने दिल के अपना रीड हाँ. करना हो ना तो आप पल्स रीड करते हैं बस मैं डॉक्टर आलम का वो जो है वो अपने दिल पे नाम लिखवाया वे मैं बस ओ दिल पे डॉक्टर आलम का नाम है ना क्या कह रही हो हाँ हाँ मैं तो मतलब मुझे समझ नहीं आता मुझे इस बात से फर्क मतलब चिड़ होती है अब कि डॉक्टर का नाम इस पे लिखवा लिया मतलब दुनिया में लोग अपने बॉयफ्रेंड का नाम रिस्ट पे लिखवा रहे हैं दुनिया में लोग अपने वालदेन का तो खैर नाम लिखवाते नहीं है रिस्ट पे बड़े वो मुश्किल से हो जाते हैं
और बॉयफ्रेंड्स का नाम लिखवाते हैं जिनके साथ उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब मैंने एक ऐसे इंसान का लिखवाया है नाम जो कि मेरे खाने पीने से लेके मुझे किन के साथ उठना बैठना है, मेरा क्या के सोने का स्केड्यूल होना चाहिए, एक ऐसे इंसान जिसने वालदेन से बढ़ के किया आपकी जिंदगी के लिए, जो कि मेरे वालदेन से भी ऊपर पोजीशन रखता है। ठीक है, मगर ये क्या स्टेज थी और इतनी छोटी सी हिना जो है वो इतनी जिंदगी के पहले हिस्से में ही इस तरह की उतार चढ़ाव पे से क्यों उतरी? हाँ, फिर वो आराम से बाद में बैठ के बात करेंगे। हम बैठने लगे हैं फिर क्योंकि मुझे ये बात सुनने में दिलचस्पी है, तो ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्यूटी टिप्स। हम ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। खुश आमदीद। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आजकल की यंग लॉट जो है एक्टर्स की, उसमें मैं अपनी फेवरेट एक्टर से मिल रही हूँ, तो आपको लगेगा शायद मेरे मुंह पे बैठी नहीं है इससे मैं तारीफ कर रही हूँ। लेकिन यकीन करो, मैं बहुत अरसे से प्लेज नहीं देख रही थी, एक जमाने से मैंने ड्रामे देखने छोड़े में, लेकिन मुझे ना 7-8 बजे कुछ होना शुरू हो जाता था और मैं कहती थी यार मैं यहाँ से काम से ना, हम लोग काम कर रहे होते हैं लेट तक बैठे मॉर्निंग शूटिंग, तो मैं निकल के जाके ना तो आपका जो प्ले है ना वो ऑन करके देखा करती थी, सिर्फ आपकी वजह से देखा करती थी। उस पूरे के पूरे सीरियल में मुझे आपकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस ने बहुत टच किया है। रिमार्केबल। कौन से ड्रामे की बात? गुमराह की बात करें आप, दूसरी धांसू से दूसरी बीवी बनी हुई है। कभी मुझे गुस्सा आता था आप पे, कभी मुझे आप पे दिल करता था आपको कुछ कहा जाए, कभी मुझे आप पे तरस आता था। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ योर गुड एक्टिंग। थैंक यू सो मच। और उसके ना क्रेडिट में जो सबसे ज्यादा देना चाहूंगी, कल रात भी मेरी उनसे बात हो रही थी, साइमा वसीम जो हमारी डायरेक्टर हैं, आई थिंक शी हैज डन अ रिमार्केबल जॉब फरा। क्योंकि पता है हमारे यहाँ खवातीन को एक तो बहुत हल्का लिया जाता है इंडस्ट्री में कि यार चलो औरत है कितनी मेहनत कर लेगी, कितनी रेटिंग दे देगी। मुझे वहाँ पे क्योंकि चैनल ने मुझे दो ऑप्शन दिए थे, एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करना था जिनके साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ, और साइमा के साथ मुझे पहली दफा काम करना था। मैं कहती यार साइमा पता नहीं, जबकि साइमा पुरानी है अपनी इंडस्ट्री की, मैंने कहा यार पता नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, अल्लाह का नाम लेके कर लेते हैं साइन। वो बंदी फरा मुझे एक लाइन 18-19 दफा बुलवाती थी। अच्छा। और अगर की और कायब में अगर कुछ एरर आ जाए वो छोड़ती नहीं थी, वो कहती थी मुझे यही लाइन चाहिए, और मेरा गला खुश्क हो जाता था। मैं कहती थी, और फिर मैं चिढ़ने लग गई थी थोड़ा सा, क्योंकि मैं अपने आप में जी बड़ी कोई हिना अल्ताफ और बड़ी कोई अच्छी एक्टर, तो जब मुझे साइमा कहती थी मॉनिटर पे कि फिर से दो गलत लाइन दिए फिर से दो, तो मैं ऐसी होती थी अच्छा ठीक है साइमा दे रही हूँ, लेकिन इसीलिए वो एक्सप्रेशन जो है ना वो फिर सही चिढ़ के आते थे। हाँ चिढ़ के आते। तो साइमा कहती थी मैं इसकी चिढ़ और इसकी जो इरिटेट हो रही थी वो मैं समझ सकती थी, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे स्क्रीन पर चाहिए था, चाहिए थी, क्योंकि वो आपके पूरे थाई इरिटेशन का कैरेक्टर है, तो वो आपको इरिटेट करके ही शायद लेना जरूरी। इतना गुस्सा, और मैं गुस्सा करी जाऊँ, फैजल रहमान का कैरेक्टर, तुम एक पागल औरत हो, मैं गुस्सा करी जाऊँ, तुम एक नाअहल औरत हो। अच्छा हिना अभी क्या किया, वजन कम किया? मैंने वजन कम किया, और ये सिर्फ डाइट से किया है या जिम से? जिम से, सिर्फ जिम से। जिम से और एक डाइट मैंने नहीं की, लेकिन एक अच्छा लाइफस्टाइल कैरी किया है। और उसका मतलब क्या है, कितने बजे सो जाती है ना? इसका ये मतलब है कि एक हफ्ते से ज्यादा मैंने एक चीज कोशिश की थी करने की जो कि मुझे वापस करनी, मैं 7 बजे अपना आखिरी मील कर लिया करती थी, 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाती थी। और जैसे मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास प्रॉपर उस तरह के डॉक्टर्स नहीं जिस तरह से शायद इंडिया में और हॉलीवुड में पाए जाते हैं, जो क्या प्रॉपर वो हर चीज बना के दे सके, आपको तुक्के मारने पड़ते हैं, इसको भी ट्राई कर लो, उसको भी ट्राई कर लो, जो बेस्ट उसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मैंने प्रोटीन बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिया था, चिकन और शामी कबाब, उससे क्या हुआ मुझे कॉन्स्टिपेशन होने लग गया। ठीक है, उसके लिए आपको कार्ब्स लेना जरूरी है। अगर रोटी भी खानी, मुझे लगता है इतनी सी रोटी काफी होती है, चावल खाने इतने से चावल काफी होते हैं, तो अगर जहाँ पे आप व्हाइट शुगर ले रहे हैं वहाँ पे ब्राउन शुगर लेना शुरू कर दें, जैसे हमारे घर पे ब्राउन शुगर है। लेकिन आपको किससे कहा था कि आपको जरूरत है, बिकॉज आप थोड़ा गोल गोल चेहरा, यार जो गोरा के अंदर जो कमेंट्स आते थे, फरा हिना कितनी मोटी हो गई है, मतलब मेरी जितनी बॉडी शेमिंग यंग एक्टर्स में मेरी हुई है किसी की नहीं हुई होगी। अच्छा, किसी की नहीं हुई होगी। मुझे तो पहले तो ना बहुत बुरा लग रहा था कि यार मतलब अच्छा मैं क्या बहुत मोटी हो गई हूँ, क्योंकि सामने से नहीं पता लगता आपको इतना, स्क्रीन पे ड्रामे की स्क्रीन पे आप वैसे भी ज्यादा मोटे आ रहे होते हैं। यार हिना का मोटी कितनी हो गई है, पता नहीं तो किस बात की खुशी, कितना वजन इसका आया जा रहा है, ऐसी ऐसी बातें। मैंने कहा बस अब मैं अपना वजन कम करूंगी। सही, उसके बाद मेरी जिंदगी में शोएब आया जो मेरा बहुत जबरदस्त ट्रेनर है, उसने मुझे 3-3.5 महीने ट्रेन किया। मेरे से कल रात भी बात हो रही थी कि यार वो क्रॉसफिट करना है और अच्छी
हिट की अच्छी ट्रेनिंग तुम बना के रखना मैं करूंगी. सो इट वॉज ऑल अबाउट जिम और अच्छा लाइफ स्टाइल. सही. सो दो बंदों का मुझे नाम पता चल गया, एक डॉक्टर आलम और एक शोएब. अभी और भी बहुत सारे लोगों के नाम आने वाले हैं क्योंकि डिप्रेशन का भी हमने जिक्र नहीं किया. लेकिन चलो डिप्रेशन की बातें छोड़ो, आप यहाँ पर आ चुके. ख्वाबों का कोई ख्वाबों का शहजादा है, कोई ख्वाबों में बसता है, किसी के चेहरा कभी धुंधला धुंधला सही सही दिखाई देता हो. अच्छा उधर आना है अभी. हाँ पहले इधर, पहले इधर. अच्छा ठीक, ये एक मार्कर है. ठीक, तो पहले हम देखेंगे कि उस बंदे को हम विजुलाइज करेंगे कि वो कैसा होगा. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अच्छी अच्छा, लगेंगी. अच्छा लेकिन मैं पता है अब शायद मुझे लोग बोलेंगे यार ये पता नहीं क्या बात कर रही है, मुझे शादी नहीं करनी है. लेकिन मैं फिर भी आपके लिए फील क्या कहा है आपने, सब कुछ फील कर रही. नहीं आपने अभी कुछ कहा है. पर मुझे शादी नहीं करनी. किससे? किसी से भी. कभी कभी भी कभी भी कहीं भी. नॉट ऑल इस पे. क्या है मेरे को जोर से हंसे इस पे. क्यों इतने सब मुझे सब ये बोलते हैं. तुम पता है उन लड़कियों में से है ना जो अपने घर वालों से लड़के शादी कर लेगी. हाँ. तो तुम तो ये ना ही बोलोगे तुमने नहीं करनी. आप उनमें से होगी शायद जो रात को कहेंगे सुबह मैं शादी कर लेंगी. हाँ. लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी उन्हीं लड़कियों में से हूँ. लेकिन मुझे 3-4 महीने पहले ऐसा लगने लग गया है कि मैं नहीं कर सकती शादी. वजह बहुत सारी है. बैठ के बात करेंगे अभी. अब हर जगह ना हिना मुझे टेम्पटेशन देती है कि बैठ जाते हैं ना. बैठ जाते हैं ताकि हम बात कर लें. तो जल्दी से इसको, अच्छा जल्दी से इसको फिल करो ताकि बैठ जी. मेरा हीरो जोरू का गुलाम या मम्मी डैडी बच्चा. मम्मी डैडी बच्चा कौन सा? जोरू का गुलाम. जोरू का गुलाम. जोरू का गुलाम. वेरी गुड, गुड चॉइस. रंगीन मिजाज या शर्मीला. 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 हाँ अच्छा. शाखर काबू में रहेगा. शाखर या कंजूस. शाखर ऑब्वियसली. प्यार करने वाला. पैसे वाला. पैसे वाला. मेरे दिलों की बात की नहीं की. गुड. अच्छा जी. और क्या नखरे उठाने वाला है या अपनी मनवाने वाला. हाँ नखरे उठाने वाला. ठीक है. एक्टर या डॉक्टर. डॉक्टर. वाह वेरी गुड. तो हमें एक बात तो पता चल गई क्योंकि डॉक्टर जितने हैं वो रिश्ता भेज सकते हैं. हाँ बाकी और कोई नहीं. अच्छा इंडिपेंडेंट या नहीं. इंडिपेंडेंट. हाँ. या ये अशफाक अरबी के खूबसूरत से स्पेलिंग जो है उनको माफ नहीं कीजिएगा. अच्छा इंडिपेंडेंट. हाँ, ये सही. इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ठीक है. और क्या डाइट कॉन्शियस है. खाने का शौकीन. खाने का शौकीन यानी इतना हो जाए वो हिना के साथ ऐसे ऐसे करके चला कर. लेकिन खाने के शौकीन तो मैं भी हूँ. लेकिन जरूरी कि आप जो बिरयानी खा रहे हैं आप उसको जिम में जाके फिर बर्न करें पूरा 2 घंटा बैठ के. तो अगर वो गरीब ना बर्न कर सके तो फिर क्या बनेगा. कुछ मुझे खिला लिया कर उसके हिस्से का मैं खा लूंगी. ठीक है डन. अच्छा जी. दिल का साफ या रंग का साफ. साफ. रंग का साफ. यार दिल अच्छा कर लेंगे. दिल अच्छा कर लेंगे. ये दो चीजें बड़ी कमाल है कि दिल साफ कर लेंगे कोई इसके लिए फैक्ट्री कारखाना. शादी नहीं करेगी तो क्या फर्क पड़ता है. अगर हो जाएगी तो बोलूंगी यार देखो दिखने में तो अच्छा है. दुनिया वालों को दिखना चाहिए कि हमारी शादी सही चली. तुम गुड लुकिंग हो मैं भी गुड लुकिंग हूं. साथ अच्छे लग रहे हैं. बस इतना ही काफी है. बस इतना काफी है. ओके गुड. चलो बैठ के बात करेंगे. लेकिन ये बता दो कि इसका चेहरा कैसा बनाओगे आप. नाक कैसा होगा. ये हमारे खूबसूरत से एक्टर्स हैं पाकिस्तान के सारे जिनके लोग बड़े फैन हैं. लड़कियां मरती हैं फिदा है जान देती हैं इनके ऊपर. किसी की आंखें किसी के होंठ किसी का चेहरा किसी की पता नहीं क्या क्या चीजें और अच्छी लगती हैं. बाल अच्छे लगते हैं. स्माइल अच्छी लगती है. आपको जिसका जो अच्छा लगता है वो आप इसमें हमें जरा बताओ. अच्छा बाल मुझे लगता है कि एहसन और फवाद दोनों के बहुत अच्छे हैं. ठीक है. लेकिन लेंगे हम आई थिंक एहसन के ले लेते हैं. एहसन के बाल ले लेते हैं. हाँ एहसन के बाल ले लेते हैं. ओके सो एहसन के बाल जो है वो हमने पिक किए. लेकिन दूल्हा बेचारे ने तो पगड़ी पहनी है. लेकिन कोई बात नहीं फिर भी हम उसके बाल बना देंगे यहाँ पे. तो बाल होने चाहिए उसके एहसन की तरह के. डन. और क्या होगा. और आई थिंक ये भी ले लेते हैं पैच बालों का. ठीक है. ताकि वो पूरा हो जाए. ताकि वो पूरा हो जाए. और एहसन की तरह बालों का क्या मतलब है जरा. मुझे ऐसा लग रहा है कि फवाद के मैं बालों को देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर ब्लो ड्राई करके बालों में एक फ्लफ आ रहा है. एहसन का मुझे लग रहा है कि शायद नेचुरली इनके ऐसे बाल हैं. अब पता नहीं हो ऐसा ना हो. सो आई थिंक नेचुरल ब्यूटी. अब नेक्स्ट क्या है. अब क्या आई थिंक आईज. आईज. ग्रीन आईज ऐसे प्यारी होती है लेकिन सुना है कि धोखा बहुत देती है. अरे हर आंखी हर आंखों वाले ही धोखा देते हैं. तो फिर फवाद की आंखें ले लेते हैं. लड़कियों को फवाद क्योंकि पसंद है. नहीं लड़कियों को छोड़े आपको क्या पसंद भाई, है भाई. फरा मैंने पहले ही बताया ना यार लड़का सामने खड़ा हो लोगों को दिखाना है यू गुड लुकिंग आई एम गुड लुकिंग तब लोगों की डिमांड पे चलूंगी मैं.
ओह वेरी गुड, सही. सो लड़कों को दिखाना है कि यू आर गुड लुकिंग, आई एम गुड लुकिंग, बाकी सब ठीक है. सो आगे आ गई फवाद की. क्या एक खूबसूरत एक्सप्रेसिव आइज. आई एम अ ग्रेट एडमायर. हाँ किधर ले जाऊं दूल्हे को मैं, साथ ले जाऊं? हाँ ये ओके चले जी. हिना दूल्हा आपका और मेरी तरफ मोड़ते जा रहे हैं. हाँ वैसे मुझे नाक नक्श का इतना पता नहीं है, इतना सेंस नहीं है फरा, लेकिन आपने फवाद का ही नाक पिक किया. हाँ नाक भी मुझे लग रहा है कि फवाद का ही सही है. ठीक है सो आधा सर है वो फवाद हो गया और आधा सर मुझे लग रहा है कुछ निकल तो रहा है. ये भी फवाद का ही फेस लगा है. ये हाँ फवाद का ही लगा दिया. ओके सो अब क्या रह गया फिर उसकी कुछ चिन्ह कुछ. वैसे कुछ टर्की टाइप लड़का नहीं लग रहा है. तुर्की से आया हुआ कोई लड़का. मैंने सोचा भी था, मैंने कहा मेरी अगर शादी होगी ना मैंने कोई लड़का मंगवाना है टर्की से, या मैं चली जाऊंगी टर्की ताकि एटलीस्ट मेरे बच्चे प्यारे हो. अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है. अब सोचा ऑप्शन मैंने रखे हुए कि अगर हुई तो इसलिए कि बच्चे प्यारे हो, अगर की तो इसलिए कि वो मेरे साथ गुड लुकिंग लगे, थोड़ा अच्छा कपल लगे, उसके अलावा और कोई वजह नहीं है उस करने की. बिल्कुल हाँ. इस बेचारे का मुंह बाकी का कुछ मुकम्मल. अच्छा मुझे लगता है कि अब्बासी का ले लें लेकिन वो बहुत ही डिसफंक्शनल हो जाएगा. अच्छा हम हमजा की दाढ़ी चलेगी या फिर आई थिंक एहसन का. एहसन की है. अफवाद की भी है बेचारे की, उसकी अपनी चिन भी है लेकिन नहीं जी हमें थोड़ी सी. अरे फरा क्या बात है. अच्छा ऐसा नहीं है, मुझे खुशी इस बात की हो रही है. ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही अजीब सी कोई शक्ल बन के आई, थोड़ी बेहतर बड़ी बड़ा डिफरेंट बैलेंस. और अल्लाह करे कि ऐसा कोई बंदा जो है वो कहीं हो मौजूद जो कि देख रहा हो और वो कहे अच्छा तो मैं हूँ हिना, आई एम द वन, आई एम द वन. अगर कोई आ गया किसी दिन उससे कहा कि हिना तो जवाब क्या होगा? मैं बोलूंगी तो यू आर गुड लुकिंग, आई एम गुड लुकिंग, हम अच्छे लगेंगे, हम शादी कर लेते हैं. नहीं फरा, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऑन शो. मुझे लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी है जिंदगी में आज शादी करना. हाँ बैठ के बात करते. आओ बैठो जल्दी से बैठो ताकि आप मुझे बता सको कि क्या. अच्छा शादी करने में क्या जिम्मेदारी है भाई? आपको तो पैसे वाला चाहिए वो जिम्मेदारी उठाएगा. हाँ. आपको तो नखरे उठाने वाला चाहिए वो नखरे भी उठाएगा. फिर आप डॉक्टर से शादी कर रही हैं वो इलाज भी कर देगा. मजे हैं. पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा